आपने कहा एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन चल रहा होगा सबके पास। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट दो सेशंस में देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, फिर उस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, इन चीजों को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। देन उसके साथ ही हमने जो है वो अभी सोचा कि हम लोग जो है वो इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें सप्लायर हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, सप्लायर हंटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के जो है वो अपलोड की हुई थी, जिसमें जो है वो मैंने टॉप 10 20 सप्लायर्स बताए हुए थे, आप कैसे लेके चलेंगे उसको और कैसे उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, मजीद मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक और लिस्ट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, उसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ये ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट पे जो है वो पोस्ट की हुई है, आप asadrana.com वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे टॉप यूएस सप्लायर का जो है वो एक आपको मिल जाएगा टैब। यहाँ पे अराउंड 14 टॉप सप्लायर जो है वो इनको डिस्कस किया गया हुआ है और इन डिटेल सारी की सारी चीजें जो है वो बता दी गई है कि अगर आप जो है वो किसी सप्लायर को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने उस सप्लायर के साथ कैसे जाना है और उसको कैसे सेटल डाउन करना है। खैर, हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जाकर हम सारी जो है वो चीजों को देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले में हमने क्या किया था, सेलर हंट किए थे। सेलर हंट करने के बाद हम सेकंड हमने क्या किया कि अपने जो है वो सरप्रेस प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया कि उनकी सेलर्स की सरप्रेस प्रोडक्ट कितनी है, उनको हमने अपने पास एक लिस्ट बना ली। मैंने एक दो जैसे आप लोगों के डेमो के लिए फाइंड आउट कर दी थी। फिर प्रोडक्ट जो है वो आप नॉर्मल, एक सरप्रेस होती है एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, तो हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरफ गए और हमने यहाँ पे जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बना ली और उनको यूज कर दिया और सेटल डाउन कर दिया। अब आज हम लोगों ने क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स, लेट्स सी हमने कोई भी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है तो इनके सप्लायर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और इन दोनों प्रोडक्ट्स को ओपन कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे बल्कि जो है एक कांटेक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, 0310 77 77 670। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आप लोगों को कोई इश्यू फेस करने को मिल रहा है तो आप हेल्प आउट ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे जो है वो रीच आउट करते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कि आप हमें बता दें कि हमें कहाँ पे हेल्प आउट मिल सकती है, आपका कोई नंबर वगैरह है। ठीक है, तो ये नंबर मैं आप लोगों को जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होता है तो आप वहां पे भी करेंगे तो आपको टीम में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको हेल्प आउट कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने ओपन कर दी। सबसे हम पहली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये प्रोडक्ट है जी हमारी M&M। याद रखें, जब हमने इसको जो है वो कहीं पे भी फाइंड आउट करने के लिए जाना है तो आप इसके नेम को अच्छे तरीके से, ये फन साइज कैंडी है, 85.23 ऑन्स की है और 150 पीसीस जो है वो इसमें बैग में होंगे। हम इसको सारे को कॉपी करेंगे और चले जाएंगे गूगल पे, नई टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे गूगल पे जाके आप इसको सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों के पास जो है वो इश्यू आता है कि चीजों को जो है वो आपने कैसे सेटल डाउन करना और उनको लेके चलना। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे और हमें यूएसए के रिजल्ट चाहिए, बेसिकली सी ऑल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक तो यहाँ से 20 कर दें, 10 की बजाय 20 कर देंगे तो आपके एक पेज पे 20 रिजल्ट आ जाएंगे। करेंगे पहले दो पेज में आपको सप्लायर मिलेगा, ये दोनों पेज इसी जगह पे आपके पास आ जाएंगे। फिर आप नीचे जाएंगे और यहाँ से लोकेशन को देखेंगे तो सबसे नीचे आए आपके पास ये करंट रीजन सिलेक्टेड होगा। इस तरह से आपने इसको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर देना है। ओके जी, ये यूनाइटेड स्टेट हो गया। देन आप इसको सेव करेंगे, ये कैप्चा के बाद आपको जो है वो जितने भी रिजल्ट्स दिखाएगा वो 99% यूएस बेस्ड होंगे। ठीक है जी, पहला ये देखें, ये हमें अमेजोन जो है वो खुद दिखा रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम जाते हैं जी अमेजोन जो है वो, जब हमें इसको ओपन कर देते हैं, वॉलमार्ट दिखा रहा है। ठीक है जी, मैंने नई टैब में ओपन कर दी थी। फिर उससे नीचे जाते हैं, ये स्टेपल्स दिखा रहा है जी, स्टेपल्स से भी देख लेते हैं। फिर नीचे आते हैं, लोइस के पास भी पड़ी हुई है सेम प्रोडक्ट। ओके, ग्लोबल इंडस्ट्रियल, ये मेरे लिए वेल नाउन नहीं है तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। सैम क्लब ऑलरेडी वेल नाउन है, हम इसके साथ जा सकते हैं। क्विल इज ऑल्सो वेल नाउन, अब इसके साथ जा सकते हैं। नीचे आएंगे और हम इसको, ठीक है, ये चार पांच हमने ओपन कर दिए।
फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको और भी चीजें देखनी हो तो आप देख सकते हैं। ये आपके पास आएगा कुछ स्टोर्स पे, जैसे स्टेपल्स पे भी आ रहा है, लोइस पे भी आ रहा है, आपको सैम क्लब और वॉलमार्ट के एड्रेसेस जो है वो आपके पास ओपन हो गए। ठीक है, अब हमें इनको कैसे सेटल डाउन करना है अगर किसी स्टोर पे इस तरह का इशू आ रहा है। ठीक है जी, खैर हम पहला सप्लायर देख लेते हैं, वॉलमार्ट हमें मिल गया जी इसका पहला सप्लायर। ठीक है, और इस ये प्राइस दे रहा है हमें 24.95 कैश प्राइस है। अब हम देखते हैं कि इज इट फुल साइज, फुल साइज ठीक है जी, मिल्क चॉकलेट है, 85.23 इसका ऑन्स जो है वो इसका वेट है और 150 काउंट है, एग्जैक्टली 150 ही चाहिए। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं 150 है, और अब हम अमेजोन पे जाके देखेंगे तो अमेजोन पे भी हम इसको जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहीं पे एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, ये देख रहे हैं सेम है। अभी अमेजोन पे बिक्री है अराउंड 39.28 की, तो हम अपनी शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम दो प्राइसेस लिखेंगे, एक तो हमारी ये जो है वो सेलिंग प्राइस होती है, मेरे साथ लिख दिया जी हेल्पलाइन, आपको आइडिया रहेगा कि दिस इज हेल्पलाइन, जहां पे भी आप अटके कोई चीज नहीं समझ आए आप हेल्पलाइन से जो है हेल्प ले सकते हैं। यहाँ प्राइस की जगह पे हम लिख देंगे एएमजी प्राइस लिख देते हैं, इसको याद रहे कि अमेजोन एएमजी प्राइस लिखते हैं या सेलिंग लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ठीक है जी। फिर उसके बाद ये सेलर्स को थोड़ा सा हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं, कि सेलर पहले आ रहेंगे सेलिंग बाद में आ रही। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखनी है कि इस ये हमें मिल कहां से रही है, तो यहां पे लिखेंगे सप्लायर, सप्लायर और जो है वो प्राइस, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस बेसिकली हम इसको बोलेंगे। ठीक है जी, क्या आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ हम बेसिकली एक प्रॉपर शीट यूज करते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में शीट भी दिखाऊंगा और वो आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल भी होगी, आप उसको ले भी सकते हैं शीट को। यहाँ पे आ जाता है जी सप्लायर, लेट्स सी हमारे पास सप्लायर कौन है जी, सबसे पहला बंदा हमें मिला है दैट इज वॉलमार्ट, तो हम ये ऊपर से कॉपी करेंगे, इसको एड्रेस को याद रखेंगे, अगर आप नए ड्रॉप शिपर हैं तो वॉलमार्ट के साथ नहीं जाएं, आप पुराने तगड़े ड्रॉप शिपर हैं तो फिर आप जा सकते हैं क्योंकि तब तक आपको तरीके आते होंगे, इनशाला आने वाले टाइम में मैं ये भी सारे तरीके आपको समझाऊंगा, लेकिन नए बंदे के लिए इट्स बिट रिस्की। ये सॉरी सेकंड प्राइस प्रोडक्ट है ये हमारी, और इसकी कॉस्ट प्राइस जो है जो हमें पड़ रही है यहाँ पे वो हम देख लेंगे जी, कॉस्ट प्राइस इज 24.95, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दिया 24.95। याद रखें अमेजोन आपको कुछ फीसिस भी जो है वो चार्ज करता है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे एएमजी फी, जो आपकी फी होती है 15%। ठीक है जी, इज इक्वल टू करेंगे ये और मल्टीप्लाई बाय 15%, ये लेंगे ये आपकी 5 पॉइंट जो है वो अराउंड इस टाइम पे, ये जो नीचे वाली प्रोडक्ट जिसको हम देख रहे हैं कि इसकी हमारे पास जो प्राइस बन रही है जो अमेजोन की फी है वो 7.84 जो है वो बन रही है। अब ये कॉस्ट प्राइस होगी, अब हमें प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, ये दोनों प्राइसेस को प्लस कर देंगे, सेलिंग प्राइस प्लस जो है अमेजोन फीसिस ब्रैकेट क्लोज देन माइनस कॉस्ट प्राइस, ये ले ली आपने कॉस्ट प्राइस इसकी लिख दी, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड $35 हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है अगर हम इस प्राइस के साथ जाते हैं। ओके जी, इन दोनों को प्लस कर दिए जी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है छोटी सी जो मैंने फार्मूला में कर दी है, जो हमें जो प्लस करनी थी ठीक है वो सॉरी इसमें से जो है जो सेलिंग प्राइस है इसमें से जो है वो हमें, हम इस फार्मूला को दोबारा लगा देते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, आप इज इक्वल टू करेंगे ठीक है जो सेलिंग प्राइस है इसको सिलेक्ट करेंगे फिर इसको माइनस, उसमें से आपकी अमेजोन की फीस भी निकलेगी और कॉस्ट प्राइस ये भी निकलेगी, दोनों चीजें प्लस कॉस्ट प्राइस, तो
अब हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला आया जो हमें, क्योंकि $35 बनते नहीं है, मैं भी हैरान हो गया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो $19 अराउंड हमें सिर्फ सिंगल वन प्रोडक्ट से आ रहे हैं, एक सप्लायर की बात कर रहे हैं। अब हम जाते हैं सेकंड सप्लायर पे। ये मैं सारी चीज इसलिए आपके पास, आपके सामने जो है वो बना रहा हूँ कि आपको पता होगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, खुद भी शीट बना सकते हो। मार्केट में लोग कहते हैं नहीं जी हमारे अलावा कोई बना सकता, इसको मैं अभी बताता हूँ आपने कैसे खोलना। सेकंड आप जाएंगे यहाँ पे आते हैं आप, तो ये आप देखें सैम क्लब के पास जो प्रोडक्ट है, इट्स नॉट सेम प्रोडक्ट। ये देख रहे हैं आप, इसको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू पैक है, फन साइज नहीं है, और 115 पीसेस है, 115 पीसेस है, हमें चाहिए 150 पीसेस जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है वो हमारी प्रोडक्ट सेम नहीं है, हो सकता है नीचे जो रिकमेंड कर रहे हैं उनमें को सेम प्रोडक्ट मिल जाए जो कि नहीं, मुझे लग रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो सेम नहीं है। यहाँ से हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर आते हैं हम क्विल पे, तो क्विल हमें दे रहा है ठीक है जी, एग्जैक्ट प्रोडक्ट है 37.99 की। अब हम जाते हैं दोबारा अपनी शीट में और सेकंड सप्लायर को लेते हैं और इसकी प्राइस लेते हैं, सेकंड सप्लायर और इसकी प्राइस। सेकंड सप्लायर की प्राइस है हमारी, हमारे पास है क्विल 37.99, तो ये हो जाएगा 37.99, ये रही प्राइस। अब इसका प्रॉफिट भी साथ ही हम निकाल देते हैं, प्रॉफिट। अब इसका प्रॉफिट आल्सो सेम फार्मूला ठीक है, कि सेलिंग प्राइस जो भी है माइनस आपकी अमेजोन फीस और आपकी प्राइस जो आपको कॉस्ट कर रही है, ये लेनी। हमने जैसे इसको फुलफिल करेंगे तो अगर हम सेकंड सप्लायर के, अगर हम जाते हैं वॉलमार्ट के साथ तो हमें क्या बचते हैं $19, और अगर हम वॉलमार्ट के साथ नहीं जाते तो तब हमें बचते हैं कुल के साथ जाके $6। अब हमें क्या करना था, ये पूरा लिंक आपको कॉपी करना है, ये लिंक मैंने कॉपी किया और हम पीछे चलेंगे, ये लिंक को सेव कर दिया हमने, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इस लिंक पे क्लिक करूं तो मैं डायरेक्ट वहां पे, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, मैं डायरेक्ट पहुंच गया हूँ कि जहां से मुझे प्रोडक्ट मिल रही है। ये राइट बट आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है, तो हो जाएगी इन स्टॉक, नो वरी। अब आते हैं इस हल पे के जहां पे हमें जो है वो एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन आता है, इस तरह का कोई इशू आता है, इसको कैसे सेट करेंगे, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ब्राउजिंग वीपीएन को यूज करें। सिंपल ब्राउजिंग वीपीएन एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी, वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ब्राउजिंग वीपीएन एक्सटेंशन लिखनी है, फॉर क्रोम लिख लें या एक्सटेंशन लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगी, ये लेनी। क्रोम के लिए एक्सटेंशन आ गई, पहले इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको दे देगा जी, मेरे पास दे रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट आपके पास एड टू क्रोम दे देगा, एड कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस साइन पे जाएंगे एक्सटेंशन के पे और ब्राउजर के सामने ये पिन का है, इसको जैसे ये इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये पिन होके आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ये पहले इस तरह से होगी, इसको पिन को क्लिक कर देंगे, ये आपके पास आ गई, ले ली ब्राउजर भी हमारा आ गया। अब हमने ब्राउजर को यहाँ से क्लिक करना है और स्टार्ट वीपीएन करेंगे। जब हमने स्टार्ट वीपीएन करना है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की बजाय अगर कोई और कंट्री हो, चेंज पे क्लिक करें और यहाँ से जो है उसको चेंज करें, हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ही है, ले लिया हमारे पास वीपीएन, चल गया, स्पीड स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। और अब हमने इसको रिफ्रेश किया, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए सेम स्टोर हमारे पास जो है वो ओपन हो गया, ये नहीं सेम स्टोर जो है वो ओपन हो गया, बट प्रोडक्ट इज स्टिल आउट ऑफ स्टॉक। तो आप क्या करेंगे, इसको अपने पास नोट कर देंगे ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड सप्लायर पे, ओके जी, थर्ड सप्लायर हमें दे रहा है सेम प्रोडक्ट, इसकी प्राइस हम देख लेते हैं जी, प्राइस क्या है प्रोडक्ट की थर्ड सप्लायर के पास 34.99, तो हमने प्राइस लिख ली 34.99, ये ले ली ठीक है जी। इसका भी प्रॉफिट देख लेते हैं, इज इक्वल टू और आपकी सेलिंग प्राइस एंड आप आएंगे ब्रैकेट ऐड करेंगे, फिर आपके जो है वो सेलिंग में के बाद आपके जो है वो अमेजोन फीस प्लस आपकी राइट नो जो है वो सप्लायर की प्राइस है, ये ले ली। यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो इसलिए ये हमें जो है यही चीज, कुछ गलत हो गया।
माइनस आप लिखेंगे देन ब्रैकेट लिखेंगे, ये गलत हुआ था। अमेज़न फी प्लस आपकी थर्ड सप्लायर की प्राइस। अब देखें ये फॉरन हमारे पास आ गई, लेकिन ये ऊपर वाले में कुछ फिलफिल नहीं है तो इसलिए हमें ये दिखा रहा है, ये ले ली। अब अगर हमें 34 के साथ जाते हैं तो यहाँ पे हमें F6 सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी है जी 52 F6। ओके अगेन हमारा फार्मूला में कोई ना कोई गलती है, हम इसको लगाते हैं इज इक्वल टू। अब आते हैं सेलिंग प्राइस माइनस ब्रैकेट में अमेज़न फीस प्लस कॉस्ट प्राइस। ओके ये देखें $9.43 का जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर हम सेकंड सप्लायर के साथ जाते हैं। सेकंड सप्लायर का अगेन हम यहां से लिंक कॉपी करते हैं, ये ले लिया हमने लिंक कॉपी किया और इसको एग्जैक्ट लिंक को पेस्ट कर दिया। याद रखें अगर इन बड़े स्टोर्स में से किसी के पास है तो आपको इजीली मिल जाएगी, ये मैं आपको ब्लॉग भी दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट आपको मिलेगी asadrana.com, उस पर जाएंगे तो आपको ये टॉप पे मिलेगा ब्लॉग के सेक्शंस में से। यहाँ पे ये ब्लॉग लिखा है इसमें आपको ये ब्लॉग मिलेगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें ये मैंने सारे लिखे हैं वॉलमार्ट कॉस्टको द होम डिपो बेस्ट बाय टारगेट ऑफिस डिपो ट्रैक्टर सप्लाई ड्यूएक लॉयस ऑफिस सप्लाई शॉपलेट सैम क्लब क्विल बीजे होलसेल। ये बहुत बड़ा क्लब है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देता है, इवन दो कि आप यहाँ पे जो है वो स्टेपल्स को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्टेपल है, ये स्टेपल एडिट नहीं था, ये मैं स्टेपल को भी जो है वो एडिट करवा देता हूँ। इस तरह से आपने जाना है और अपनी प्रोडक्ट की जो है वो सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेनी है। सो सिंपल, याद रखें आपको कोई लंबे चौड़े काम में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ जाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा आपको बताएं, नहीं यही तरीका है, जाए आसानी से सप्लायर्स फाइंड आउट करना शुरू करें। कोई भी क्वेरी है नंबर नीचे दिया हुआ है वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना कॉमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जो है उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।